गाइस, वेलकम टू एलएन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है द प्रोनाउन। आपकी स्क्रीन पर सामने आपको लिखा हुआ दिख ही रहा है। तो शुरू करने से पहले एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, अगर आपने मेरा द नाउन का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि पूरा प्रोनाउन नाउन पर डिपेंड करता है, ठीक है। और शुरू करने से पहले आपकी तरफ से लाइक और सब्सक्राइब बनता है, अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए, और कोई एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है हमें आपसे। तो आप देखिए, हमारी सीरीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका पहला पार्ट हमने कर लिया है नाउन, अब हम प्रोनाउन शुरू कर रहे हैं। ओके, शुरू करते हैं। देखिए, ये स्लाइड हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, इसलिए इसमें सभी कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। तो आने वाले टाइम में मैं लगभग हिंदी लिखना जो है ना छोड़ ही दूंगा, कोशिश करूंगा कि कम से कम लिखूं। तो आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है। देखिए, प्रोनाउन इज यूजुअली ए सब्स्टिट्यूट फॉर ए नाउन, इसकी हिंदी है सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि पहले नाउन का लेक्चर देख लीजिए आप, ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो। राम इज ए गुड बॉय, राम इज माई फ्रेंड, राम्स फादर वर्क्स विद माई फादर। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, राम इज ए गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड, हिज फादर वर्क्स विद माई फादर। दोनों सेंटेंस सेम है, दोनों वाक्य बिल्कुल एक ही है, बस कुछ शब्द बदल गए हैं। जैसे यहाँ राम था, यहाँ पर ही हो गया, यहाँ राम्स फादर था, यहाँ पर हिज फादर हो गया है। ये बदले हुए शब्द जो पहले सेंटेंस में वो नाउन लिखे हैं, जो दूसरे सेंटेंस में है वो प्रो नाउन लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए, मतलब हम कह सकते हैं कि नाउन की जगह पर जो शब्द यूज किए जाते हैं ताकि जो नाउन है, जो नाम है किसी चीज का, वो बार बार रिपीट ना हो, उसकी रिपीटेशन को कम करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये तो एक लेखक के द्वारा लिखे गए नोट्स हो गए, अब हम दूसरे लेखक के द्वारा लिखे गए बताई गई चीजों को देखते हैं, जो कि फॉरनर विदेशी राइटर ने लिखा है। अब यहां पर देखिए, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, बिल्कुल सेम चीज लिखी है कि हम जो है ना नाउन की जगह पर ही प्रोनाउन को यूज करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है, वही जो मैंने अभी बताया उन्हीं में से। देखिए, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी जो मैं पीछे बोली थी, ए प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन टू अवॉइड, यहां से ये चीज देखिए, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ ए नाउन इन एन एसे, मतलब कोई ऐसे हो, स्टोरी हो, पैराग्राफ हो, कोई हो यार, कोई चैप्टर हो, कोई न्यूज हो, नो प्रॉब्लम, उससे डिपेंड नहीं करता उस पर, ओके। तो यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है जिससे हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। डेविड इज एन 18 ईयर्स ओल्ड बॉय, ही लिव्स इन ए स्मॉल विलेज, ही लव्स द पीपल ऑफ हिज विलेज, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर पीपल ऑफ हिज विलेज, यहाँ पर ऑफ छोटा हुआ है, ऑफ आएगा यहाँ पर, ओके। ही स्टडीज बायोलॉजी, ही वॉन्ट्स टू बिकम ए डॉक्टर टू प्रोवाइड मेडिकल सर्विसेज टू द पीपल ऑफ हिज विलेज, ओके। यहाँ पर देखिए ऑफ यहाँ पर हुआ है। तो इसमें आप क्या नोट करते हो, इसमें यही नोट करेंगे हम, देखिए जो अंडरलाइन हुआ है यहाँ पर, ही को अंडरलाइन किया गया है, यहाँ ही है, यहाँ ही है, सॉरी आगे बढ़ गया, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर भी ही है, यहाँ पर भी ही है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर पांच जगह पर ही लिखा हुआ है। इन पांच जगह पर हम डेविड भी लिख सकते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ओके। तो जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट में उसका नाम दे करके बाद में जो शब्द उसकी जगह पर यूज करते हैं वो प्रोनाउंस यूज किए हुए हैं, वो सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, वो हम आगे देख लेंगे। तो यही चीज यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखी गई है, देख लीजिए एक बार, पढ़ देता हूँ, देखो जो मैं हिंदी में डिस्कशन कर रहा हूँ इंग्लिश में कितना आसान है। इन द अबव पैराग्राफ, मतलब इस पैराग्राफ में, ए प्रोनाउन ही इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन डेविड इन द सेंटेंसेस, बिल्कुल उसकी जगह पर यूज किया गया है, डेविड की जगह पर ही को। द प्रोनाउन ही इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन डेविड अगेन एंड अगेन इन द सेम पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ में उसको अगेन एंड अगेन उसका रिपीटेशन ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए, उसे छोड़ने के लिए ही हमने ही का इस्तेमाल किया है। तो सच ए वर्ड, इस तरह के शब्द ही प्रोनाउन कहलाते हैं। मुझे लगता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग वालों के लिए हो गई है क्लियर।
देखिए, नाउन के बहुत सारे प्रकार हैं, कम से कम 8 से 10 हम एक एक करके अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में देख लेते हैं, एक जो है ना हम जो डिस्कशन करने वाले हैं अगले लेक्चर में उसके बारे में थोड़ा सा और यहाँ पर हिंट दे देता हूँ मैं आपको। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे अगले कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है, यहाँ पर इसने कहा कि प्रीफिक्स प्रो, प्रो के बारे में बात करें, मीन्स होता है फॉर किसी के लिए या इन पैलोसो, किसी की जगह पर, मतलब किसी की जगह पर, ठीक है ना, किसी के लिए, मतलब जैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, नाउन की जगह पर, है ना, प्रोनाउन। तो दिस लेसन इज अबाउट प्रोनाउंस विच रिप्लेस नाउन्स दैट रेफर्स टू द पीपल और थिंग्स। बिल्कुल, जो लोगों को मतलब उसके नाम को, डेविड को भी रिप्लेस किया था ही, इस तरह से चीजों के नाम को भी वो रिप्लेस करेगा, बिल्कुल करेगा। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउंस है वो, उसने कहा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या चीज रखता है ये देख लीजिए आप, ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है आपकी, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी ग्रामर में कभी पीछा नहीं छूटेगी। नंबर, यहाँ पर नंबर का कुछ, नंबर तो संख्या हिंदी में होती है, पर्सन का व्यक्ति होता है, केस होता है, ठीक है। नहीं तो देखिए यहाँ पर केस जो है ना, कहते ना जो है, आप ग्रामर में डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जो पढ़ते हैं उसमें बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, तो यहाँ पर इनके जो मीनिंग हो ना थोड़े से अलग होंगे, तो वही मीनिंग यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इस लेक्चर में बता देता हूँ। वैसे पूरा जो अच्छे से हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसको। तो दे आर सिमिलर और प्लुरल, यहाँ पर नंबर का मतलब होगा एकवचन और बहुवचन। पर्सन का मतलब होगा पर फर्स्ट पर्सन, इज द पर्सन स्पीकिंग, जो पर्सन उस वाक्य में बोल रहा है, जो उसमें करता है, कह सकते हैं हम। सेकंड पर्सन इज द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, जिसके बारे में, जिसको हम कह रहे हैं। थर्ड पर्सन इज द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मतलब इसमें एक बात बताऊं मैं आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को इस तरह समझ सकते हैं, पहले मैं फिर तुम फिर वो, पहले मैं तुम और वो, यार पहले हम और तुम्हें और सब बाद में है भाई। ओके, तो पहले मैं और तुम्हें उसके बाद वो, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम, जैसे कि अगली स्लाइड में देखेंगे तो केस, केस से क्या मतलब होता है, केस क्या है, डिटरमाइंस, सॉरी आगे बढ़ गया, हाउ ए प्रोनाउन इज बीइंग यूज्ड इन ए सेंटेंस, वो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट के यूज में यूज होता है, या पजेसिव के यूज में यूज होता है। एक रिफ्लेक्सिव भी और ऐड करूंगा मैं टेबल में उसमें, क्योंकि वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में काम आता है काफी। तो वी विल गो ओवर, मतलब मैं इस चीज को अगले लेक्चर में, अगले लेसन में डिस्कशन करूंगा। तो गाइस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मैंने पर्सनल प्रोनाउन की भी दे दी, इसके टाइप्स भी होंगे थोड़े थोड़े से अलग अलग, थोड़ा सा ये लेंदी है तो मैं इसको अगले लेक्चर में कवर करूंगा। वैसे मैं इसके सभी टाइप्स को, या किसी किसी लेक्चर में 2 से 3 टाइप्स को डिस्कशन करूंगा, तो उसके 3 से 4 लेक्चर रिकॉर्ड हो सकते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत छोटा सा आपका ये लेक्चर रहा है, और मुझे लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नाउन को लेकर बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। अब आप किसी को बता सकते हैं कि नाउन होता क्या है। ओके बाय।